हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चिक न्यूट्रिक्स बाउंस टैबलेट का रिव्यू। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन यू शुड डेफिनेटली कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ग्रो कर सकूँ और आप लोग भी नोटिफाई हो सको। झूठ नहीं बोलूँगा, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ और आप लोग भी नोटिफाई हो सको जब भी मैं कुछ इस तरीके की वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रिव्यू वीडियोस ही पोस्ट करता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चिक न्यूट्रिक्स बाउंस हेयर टैबलेट्स, ये क्या है? ये कंसिस्ट करती है नेचुरल और वीगन इंग्रेडिएंट्स को, जैसे कि आपका 100% वीगन हेयर रिकवरी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम HRC भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है आपके हेयर को राइट अमाउंट ऑफ नरिशमेंट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। साथ ही साथ ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को भी अपने अंदर कंसिस्ट करती है, जैसे कि बायोटीन, सेलेनियम, जो कि आपके हेयर को सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और आपको एक बाउंसी काइंड का बाउंसी हेयर प्रोवाइड करता है। इसलिए इस टैबलेट का नाम चिक न्यूट्रिक्स बाउंस टैबलेट्स है। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, इस तरीके की पिंक कलर की पैकेजिंग के साथ आता है, जिसमें वाइट से लिखा है चिक न्यूट्रिक्स कंपनी का नाम, बाउंस इस टैबलेट का नेम, हेयर रिकवरी कॉम्प्लेक्स, बायोटीन सेलेनियम, गुड हेयर डे एवरी डे, और कंसिस्ट करता है 20 एफर्वेसेंट टैबलेट्स, मतलब इसकी क्वांटिटी है 20 टैबलेट्स। रेसबेरी फ्लेवर के साथ आता है, यहाँ पर मेंशन हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन हुआ है रेसबेरी फ्लेवर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की डॉटेड ब्रांडिंग, जिसका मतलब है ये प्रोडक्ट 100% वीगन है। पीछे की तरफ आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट का प्राइस, जो कि 720 रुपीज़ है। आजकल डिस्काउंट चल रहा है नायका पे, तो आप इसको 680 रुपीज़ का परचेज कर सकते हो। FSSAI की ब्रांडिंग है, मतलब ये लैब्स में टेस्ट हुआ है और लैब्स में टेस्ट होने के बाद ये उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा है, इसलिए इस पर FSSAI का मार्क है। साथ ही साथ यहाँ डायरेक्शंस टू यूज़ दिया हुआ है, पॉप फेस चेयर्स, बारकोड दिया हुआ है, कंपनी का नेम दिया हुआ है, इंडियन ब्रांड है और इस तरीके की बॉटल है इसकी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप 2020 है। ऊपर से देखोगे तो इस तरीके की रबर की कैप के साथ आते हैं, जो कि हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को मॉइस्चर से बचाता है और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट को डैमेज होने से भी बचाता है। तो आपके प्रोडक्ट की जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रहती है वो बिल्कुल बरकरार रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती इस तरीके की रबर कैप्स के कारण। और प्लस ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा टैबलेट फ्रेंडली है। जो टैबलेट है ये कुछ इस तरीके की वाइट पिंक कलर में सर्कुलर टैबलेट्स आती हैं, और इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसको पानी के साथ कॉन्टैक्ट में ये टैबलेट आई, ये इसने बबल के थ्रू बबल निकालना शुरू कर दिया। तो इस बबल को ही हम बोलते हैं एफर्वेसेंट टेक्नोलॉजी, जो कि हेल्प करती है आपकी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब होने। तो बायोटीन क्या करता है? बायोटीन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता ढंग से, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि हमारे पी के थ्रू क्या होता है, हम बार बार जैसे पी जाते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, ईजिली सिक्रीट कर जाता है। तो इस वजह से हमें बायोटीन की क्या होती है, हमारी बॉडी में कमी होती है। बायोटीन एक हेयर प्रोटीन है, जो कि हेल्प करता है हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करने में, हमारे हेयर को थिकर बनाता है, हमारे हेयर को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। बट ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होने के कारण हमारी बॉडी से क्या होता है, ईजिली सिक्रीट हो जाता है, ईजिली मतलब ड्रेन हो जाता है। तो उसे हमें डाइट्स और सप्लीमेंट्स के थ्रू ग्रैप करना पड़ता है। तो चिक न्यूट्रिक्स बाउंस टैबलेट्स है, ये क्या करती है, बायोटीन को कंसिस्ट करती है और एफर्वेसेंट होने के कारण ये क्या करती है, आपकी बॉडी में जितने भी इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी विटामिंस, जितने भी अमीनो एसिड्स ये टैबलेट कंसिस्ट करती है, वो क्या होती है, ईजिली हेल्प करती है आपकी बॉडी में स्टोर करने में, ताकि आपकी बॉडी से वो ड्रेन ना हो पाए, आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो ये कंसिस्ट करता है वो है सेलेनियम। सेलेनियम हेल्प करता है डैंड्रफ कॉजिंग बैक्टीरिया या डैंड्रफ कॉजिंग फंगस को किल करने में। तो जितने भी लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, ये टैबलेट्स उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। साथ ही साथ ये हमें डैंड्रफ और इची स्कैल्प, जितने भी लोगों की स्कैल्प करती है इची रहती है या ड्राई रहती है, उसको भी काफ़ी हद तक क्या करता है, मेंटेन करता है, स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। तो थर्ड मोस्ट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है इसमें है वाइटल अमीनो एसिड, जो कि हेल्प करता है आपकी हेयर थिनिंग में, आपके हेयर थिनिंग को ट्रीट करता है। जो जितने भी लोगों के बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं या फिर वो लोग चाहते हैं उनके बाल थोड़ा घने हो जाएँ, तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके हेयर ब्रेकेज जैसे स्प्लिट एंड्स जैसी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है और साथ साथ आपके हेयर की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है।
तो जितने भी लोगों के हेयर की इलास्टिसिटी क्या हो रही है, लूज़ हो रही है या वीक रह होती है, उनके लिए भी ये टैबलेट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मेरिट्स। सबसे पहले मेरिट मैं यही बोलूँगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ ट्रैवल फ्रेंडली। काफ़ी अच्छी बॉटल है, इसकी ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है और इस तरीके की रबर कैप आती है जो कि हेल्प करती है आपके मॉइस्चर को इस प्रोडक्ट में ना एंटर करने से और आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ख़राब होने से बचाती है। ग्लास की बॉटल भी नहीं है तो आप इसको ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। सेकेंड है कि इसमें कोई भी शुगर एडेड नहीं है, तो जितने भी लोग शुगर कंज्यूम नहीं करते हैं या जितने भी लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये टैबलेट सही है, क्योंकि वो लोग भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, इस टैबलेट को ड्रिंक कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एडेड शुगर्स नहीं है। थर्ड मैं ये बोलूँगा कि डेफिनेटली हेल्प करती है आपके हेयर को बाउंसी बनाने में, आपके हेयर को सॉफ्ट बनाने में, आपकी स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करती है, आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करती है, आपकी हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करती है, आपकी हेयर थिनिंग में हेल्प करती है। ईजी टू ड्रिंक है, इसको ड्रिंक करने के लिए आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए या आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको एक रूटीन नहीं चाहिए कि मतलब मुझे इस टाइम पर ड्रिंक करनी है या मुझे इस टाइम पर ड्रिंक करनी है। नो, आप इसको कभी भी ड्रिंक कर सकते हो। और ये नेचुरल और वीगन इन्ग्रीडियंट्स को कंसिस्ट करती है और लास्ट एफर्वेसेंट टेक्नोलॉजी होने के कारण बॉडी में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है। द डीमेरिट्स मैं यही बोलूँगा कि ये रास्पबेरी फ्लेवर में तो आती है बट इसका टेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल टाइप का है, बहुत ज़्यादा दवाई जैसे इसका टेस्ट है। तो जितने भी लोग इस तरीके का टेस्ट प्रेफर नहीं करते हैं उनको ये डेफिनेटली प्रॉब्लम देने वाला है। सेकेंड, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड तरीके की इसकी स्मेल है। तो जितने भी लोगों को इस तरीके की स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स पसंद नहीं आती है या जितने भी लोग एलर्जिक हैं इस तरीके की स्मेल या इस तरीके की फ्रेगरेंस के, तो आई थिंक उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने इस टैबलेट को ऐसे ही रिव्यू नहीं कर दिया गाइज, मैंने खुद इस टैबलेट को ट्राई करा है 15 to 16 days और तब जाके मैंने इसका रिव्यू किया है। इवन मेरी जो मदर है वो इस टैबलेट को कंज्यूम कर रही है। और हाँ गाइज, दीज टैबलेट्स आर यूनिसेक्स, तो जैसे कि मैंने सुपर सी का रिव्यू भी किया है तो आप वो भी देख सकते हो। मैं आई बटन यहाँ पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली उस वीडियो पे पहुँच जाओगे। और यूनिसेक्स होने का मतलब क्या है, प्रेफर करता है बोथ मैन और वुमेन दोनों इसको ड्रिंक कर सकते हैं और इवन 18 ईयर से अबव के लोग भी इसको ड्रिंक कर सकते हैं क्योंकि इसका एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को ये कंसिस्ट करता है। साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस इस टैबलेट के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। यस, ये आपके हेयर को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। आपके अभी तक मैंने तो सॉफ्टनेस देखी है और बाउंसनेस देखी है अभी तो, और मैंने थोड़ा डैंड्रफ में अपने हेयर में डैंड्रफ में थोड़ा कंट्रोल देखा क्योंकि मेरी स्कैल्प बहुत जल्दी होता है मेरी स्कैल्प पे। समर्स में भी मेरी स्कैल्प में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता पर रहता है, बट इन विंटर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने डैंड्रफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे हैं अपने हेयर के साथ ही साथ मैंने अपने हेयर को बाउंसी होते हुए देखा है, सॉफ्ट होते हुए देखा है। बस अभी मैंने ये तीन ही चीज़ देखी है क्योंकि मैंने 15-16 डेज तक ही इसको ट्राई किया है। आई कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट हेयर फॉल बट मेरी मॉम का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। मेरी मॉम ने कहा है माय मॉम वाज ड्रिंकिंग दिस सर्व सिंस 1.5 months और 1.5 months आई कैन से, तो उनके हेयर फॉल में काफ़ी हद तक इसने हेल्प किया है। अभी उतना हेल्प नहीं किया है पर इसने हेल्प किया है। तो मेरी मॉम को उसका रिजल्ट्स दिखा है, 30% रिजल्ट्स दिखा है, तो मेरी मॉम ने मुझे बताया है, इसलिए मैंने इसका रिव्यू आप लोगों से शेयर किया है ताकि जितने भी लोग इस टैबलेट को परचेज़ करना चाहते हैं वो इस टैबलेट को परचेज़ करने से ना डरें क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यूनिसेक्स टैबलेट्स है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोगों को ईजिली नोटिफाई हो सके और मैं भी ग्रो कर सकूँ। सच बोलता हूँ, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूँ और साथ ही साथ आप लोग भी नोटिफाई हो सको जब भी मैं कुछ ऐसे सच वीडियोज़ पोस्ट करूँ क्योंकि मैं रिव्यू वीडियोज़ ही पोस्ट करता हूँ। और अगर आप लोग किसी भी चीज़ पर रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बहुत जल्दी गिव अवे भी करने वाला हूँ। तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।